हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने आत्मनिर्भर स्कीम के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट ने काफी भारी भरकम सी स्कीम लेकर के आई है, जो 20 लाख करोड़ की स्कीम है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो इकोनॉमी इस समय क्रम्बल डाउन कर गई है उसको वापस से ट्रैक पर ले आया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने कई सारे तरीके डिस्कस भी कर लिए थे अपने पार्ट वन और पार्ट टू में, जहां पर हम लोगों ने बात किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रही है। फिर पार्ट टू में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि आरबीआई क्या मेजर्स ले रही है, व्हाट ऑस्टेरिटी मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द आरबीआई। तो ये दोनों पार्ट जिस लोगों ने नहीं देखे हैं, देखिए ऊपर आई बटन बन के आ रही होगी, आप उसको क्लिक करके पहले उसको देख लीजिए, देन उसके बाद यहां से आइए। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में, जो कि हमारे इस पूरे स्कीम का जिस्ट है, इस पूरे स्कीम की सोल है, जहां पर हमें एमएसएमई सेक्टर पे फोकस करना है। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसको आप लोग देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये आत्मनिर्भर भारत की स्कीम हम लोग अपने पिछले दो लेक्चर से देख रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने पहले देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है, यहां पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में बात किया हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था आरबीआई क्या कर रही है और आरबीआई के द्वारा कुछ जो भी मेजर्स ले गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द एमएसएमई सेक्टर कि किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर के ये 16 स्टेप्स जो लिए गए हैं वन बाय वन करके हम लोग ये 16 स्टेप को देखेंगे क्या कुछ किया गया है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई सेक्टर में देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रखी है वो प्रॉब्लम क्या हो रखी है, लिक्विडिटी क्रंच की। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ रही है कि मान लीजिए जो भी एमएसएमई सेक्टर चल रहे थे या फिर जो भी एमएसएमई सेक्टर चलने वाले थे वो अब लिक्विडिटी उसमें नहीं मेंटेन है, मतलब कि उनके पास अब पैसा नहीं है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में मैं छोटा सा मान लीजिए कि एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी सेक्टर है जो नमकीन बनाना चाहती है या फिर पापड़ बनाना चाहती है या फिर मान लेते हैं कुछ इसी तरीके का नया आइटम निकालना चाहती है, नए मास्क बनाना चाहती है, तो ये सब सेक्टर्स जो होते हैं जो स्मॉल स्केल पे रहते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट और जिनकी टर्नओवर काफी कम रहती है उनको हम लोग एमएसएमई सेक्टर बोल रहे होते हैं। अब देखिए हमारे पास एमएसएमई सेक्टर दो तरीके से होगा, एक सेक्टर होगा जो ऑलरेडी काम कर रहा था लेकिन अब उनके पास पैसा न होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा एक ऐसा सेक्टर होगा जो बेचारा लॉस मेकिंग होगा और लॉस मेकिंग के कारण से पहला नंबर तो उनके पास पैसा नहीं बचा है, दूसरा नंबर उनको मार्केटिंग करने के लिए भी अब तरीका नहीं बचा है क्योंकि इस समय इकोनॉमी जो है वो लॉकडाउन पोजीशन में चल रही है। इन दोनों के दोनों सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छे तरीके से टैकल किया हुआ है और किस तरीके से टैकल किया है वो हम लोग सारी पॉलिसीज अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम लेकर के आई गई है वो लेकर के आई गई है एमएसएमई के लिए रेट 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। देखिए कोलेट्रल फ्री का मतलब ये होता है जहां पर आप लोन लेने जा रहे होते हैं और उसके एवज में आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मॉर्टगेज देनी होती है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस एमएसएमई हैव बीन बैडली हिट ड्यू टू कोविड-19, दे नीड एडिशनल फंडिंग टू मीट ऑपरेशनल लायबिलिटी बिल्डअप By new raw material and start business. तो हमें basically वो raw material की जरूरत है जो ये लोग खरीदेंगे। इसमें किया क्या गया है? इसमें किया ये गया है कि emergency credit line to business or MSME from bank and NBFC up to 20% of entire outstanding. इसका मतलब क्या है entire outstanding का? जैसे मान लेते हैं कोई एक bank है, कोई एक MSME sector है जिसने 1 करोड़ का या मान लेते हैं कि 10 लाख का इसने लोन लिया हुआ था लेकिन इसने चुकाया नहीं है। अब चूंकि क्या है कोविड आ गया है जिसके कारण से अब यहां पर कंडीशन और खराब हो गई है जिससे इनको एक्स्ट्रा लोन की जरूरत है। अगर ये एक्स्ट्रा लोन लेने जाएंगे तो सीधी सी बात है बैंक बोलेगा हमारा पुराना पहले दो तभी हम नया देंगे। तो अब क्या है ये जो एमएसएमई सेक्टर है वो 100% अब डूब जाएगा, अब ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा क्योंकि इनके पास अब आगे मार्केट नहीं है, इनके पास आगे अपना सामान बेचने के लिए पैसे नहीं बचे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपना पुराना बकाया अभी बेच करके कमा नहीं पाया है। तो अब जब एक्स्ट्रा लेना होगा तो देखिए ये कंपनी ऐसे तो आप बोलेंगे दिस इज डिफॉल्टर, डिफॉल्टर है, इसने अपना लोन दिया नहीं और आइडियली इनको लोन दे देना चाहिए लेकिन इनके पास देखिए एक चीज है, डिफॉल्टर है माना जाता है लेकिन इनके पास क्या है एक्सपीरियंस हो गया है और ये एक्सपीरियंस जो होता है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होती है और इसी एक्सपीरियंस के तौर पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस से इन पर एक और सट्टेबाजी खेलने के लिए आ गई है और इसीलिए कहा गया है कि इनको 20% अभी वापस से फिर से एक बार
लोन दे दिया जाएगा। मतलब कि क्या है, जितने भी लोगों ने लोन लिया हुआ है तो जो भी क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी जा रही है वो 20% ऑफ इंटायर क्रेडिट दी जाएगी। तो 20 लाख है मान लेते हैं, तो इसका 20% मतलब कि समझ लीजिए कि 2 लाख रुपए इनको और एक्स्ट्रा लोन के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, जिसके लिए अलग से कोई कोलैटरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या चीज हो रही है यहां पर। आगे बात करें तो बोरोवर विथ अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड 100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल। तो जितने भी लोग 25 करोड़ के आउटस्टैंडिंग वाले लोग हैं वो लोग इलिजिबल हो जा रहे होंगे, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि 5 करोड़ तक की लोन दी जा सकती है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने लोन दे दिया तो तुरंत आपको लोन चुकाना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, आपको 4 साल का समय दिया जाएगा, 4 ईयर का टाइम दिया जाएगा और साथ में मोराटोरियम ऑफ 12 मंथ में दिया जाएगा। मतलब कि क्या है मोराटोरियम का, मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आपने बिजनेस मान लेते हैं कि आज से शुरू किया, 2020 से शुरू किया हुआ है, तो आपको 4 साल तक आपसे कोई भी लोन नहीं मांगा जाएगा, 4 साल तक के लिए लोन नहीं मांगा जाएगा। लोन के बाद फिर आपको 12 मंथ के लिए मोराटोरियम पीरियड दे दिया जाएगा, मतलब कि इस दौरान में आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा, इस दौरान में आपका जो भी इंटरेस्ट बना ये बन गया आपका टोटल मिलाकर के 5 ईयर। तो जो भी 5 ईयर का आपका पीरियड बनेगा उसमें कुछ इंटरेस्ट बनेगा वो आपका 5 साल के बाद मतलब कि 2025 में आपका वो बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख का लोन लिया है और आपका इंटरेस्ट बन गया मान लेते हैं 50,000, तो आपका जो टोटल लोन बन गया 2025 में वो बन गया 10,50,000, तो 10.5 लाख टाइप का आपका बन गया। अब आपको 10.5 पे इंटरेस्ट बनेगा और आपको इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी, तब ये जो देना पड़ेगा वो 5 लाख। आप बोलेंगे कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो सूद समेत ये वापस ले रहे हैं, बाद में जब भी ले रहे हैं, तो देखिए सूद समेत ले तो रहे हैं क्योंकि ये कॉर्पोरेट एंटिटी और हमें केवल एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए हमें दूसरे के साथ मतलब बैंक के साथ हम लोग किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं। बैंक भी हमारे एक समय एनपीए की प्रॉब्लम का शिकार है, तो उनके साथ भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हमें इक्वली दोनों को फोकस करना होगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या है कि अभी हाथ में पैसा नहीं है तो हम आज आपको हाथ में पैसा दे दे रहे हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ मांगे। बाद में जब आपके पास पैसा आना शुरू कर देंगे तो आपको हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा, यानी हमें भी आपको मतलब आपको हमें पैसा देना पड़ेगा जो भी हमारा बना। तो ये बेसिकली किया गया है, तो यहां पर कोई गिव एंड टेक वाली सिचुएशन नहीं है, कोई भी सोशल सर्विस नहीं है। बस क्या है, आज की डेट में मैं थोड़ा सा लीनियंट हूं और आपको बाद में हमारे ऊपर लीनियंसी दिखानी होगी वो लोन रीपे करके। तो ये आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली यहां पर क्या चीज की गई है। जरूरत के समय पैसा मिलना ही सबसे बड़ी सोशल सर्विस होती है। आगे देखिए, इंटरेस्ट टू बी कैप, इंटरेस्ट को कैप रखा जाएगा, 100% क्रेडिट गारंटी कवर दी जाएगी बैंक और एनबीएफसी को ताकि इनका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। स्कीम कैन बी अवेल, जो भी स्कीम है उसकी डेट दी गई है, बट नॉट सच एज सच इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन। फिर इसके अलावा देखिए, नो गारंटी फी, नो फ्रेश कोलेटरल, यही एक अंतर है। आप जितनी भी पूरी की पूरी स्कीम है अगर आप इसको सरफेशियली देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा मुद्रा स्कीम के बारे में। मुद्रा में भी सेम इसी तरीके की चीज की गई थी, यहां पर किशोर वर्ग हो गया और इस तरीके से अलग अलग तरीके की लोन का डिवीजन किया गया था, लेकिन यहां पर गारंटी के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फीस वसूल रही होती थी। जैसे 10 लाख का अगर मान लीजिए आपको लोन दिया गया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल बेसिस पे आपसे 15,000-20,000 रुपए गारंटी का फीस लेती थी, लेकिन यहां पर आपसे कोई फीस वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं लिया जाएगा, केवल आपको लोन दिया जाएगा और आपसे 4 साल बाद जो भी बैंक का 8% 9% जो भी इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पे ही आपका पैसा ले लिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं पर भी आपसे गारंटी के नाम पे फी नहीं ले रही होगी, यही एक अंतर है। देखिए बहुत बड़ा अंतर है, यहां पर आप ध्यान से समझिएगा मुद्रा और इस स्कीम में अंतर। आगे अगर देखेंगे तो 45 लाख यूनिट कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब एमएसएमई सेक्टर को फोकस कर रही है। इनफैक्ट अगर आप किसी एमएसएमई सेक्टर से इस समय अगर आपको बात करने का मौका मिलेगा तो आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो बोलेगा कि यार देखिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी अच्छी एक स्कीम निकाल दी है, जो भी हम लोग पेंडिंग में थे, जो भी हम लोग समझ लीजिए पैसा हमारे हाथ में नहीं था, इस स्कीम के बाद हमारे पास पैसा आ तो गया और इनफैक्ट सरप्लस आ गया है, जिसके कारण से अब हम लोग मार्केट में उस सरप्लस अमाउंट को रोल करेंगे और रोल करने से हम तो कमाएंगे ही कमाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी के तौर पे कमा रही होगी, इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो वापस से उस इकोनॉमी का जो पहिया था वो चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो देखिए दूसरी एक स्कीम निकाली गई है, 20,000 करोड़ की सबऑर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। इसका मतलब क्या है,
देखिए स्ट्रेस्ड एमएसएमई का मतलब ये होता है कि वो एमएसएमई सेक्टर जो इस समय चल नहीं रही है, चल नहीं रही है कि मतलब में उसका सामान अब बिकना बंद हो गया है या फिर नहीं बिक पा रही है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक एमएसएमई सेक्टर है जो कंप्यूटर की असेंबलिंग करती है, तो कंप्यूटर के पार्ट्स ही खरीद करके लेके आते हैं और असेंबल करके ये बेचना शुरू कर देते हैं। अब देखिए इस वक्त कंप्यूटर की डिमांड लोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो भी ऑफिसेज वगैरह है वो ऑफिस इस समय बंद है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब लोग अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं, तो जो भी कंप्यूटर वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो जो एमएसएमई सेक्टर जो असेंबली का काम करते थे, जो असेंबल का काम कर रहे होते थे, उनको आप देखिए इस समय कोई भी काम धंधा नहीं मिल पाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए आपको हम एक सबऑर्डिनेट डेप्ट दे रहे होंगे, एक अलग तरीके से लेंडिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे होंगे इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रेजरी बिल या फिर कह लीजिए कि इक्विटी शेयर दे करके, इक्विटी या शेयर दे करके। इसमें किया क्या जाएगा, स्ट्रेस्ड सेक्टर को इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20,000 करोड़ का एक सबऑर्डिनेट डेट देगी इक्विटी के माध्यम से। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब एमएसएमई सेक्टर में कुछ पार्ट अपना इक्विटी खरीद लेगी उनको, और उनको 20,000 करोड़ के हिसाब से या उस इक्विटी के हिसाब से उनको शेयर दे देगी, उनको पैसा दे देगी। और इस तरीके से जो हमारे असेंबली वाले मान लीजिए कि एमएसएमई सेक्टर है, तो अपना इस तरीके से काम चला रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरीके से जो भी ऑफिसेज है या जो भी नए सेक्टर्स हैं उनको हम कंप्यूटर की सप्लाई कर सकें। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि क्या है बेसिकली ये हमारा सबऑर्डिनेट डेप्ट का मतलब। 2 लाख एमएसएमई सेक्टर इस तरीके से जो है वो बेनिफिट हो जाएंगे। फंक्शनिंग एमएसएमई विच आर एनपीए आर और आर स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। तो यहां पर देख लिया जाएगा कि कौन से एलिजिबिलिटी आ रही होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ 4,000 करोड़ टू सीजीटीएमएसई। ये सीजीटीएमएसई क्या है, इस पूरे स्कीम का नाम है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर अ ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो ये जो छोटे लेवल पे कह लीजिए कि एंटरप्राइजेस हैं उनको ये क्रेडिट गारंटी फंड प्रोवाइड कर दे रहे हैं ट्रस्ट बेसिस पे। तो दिस विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक। ठीक है, प्रमोटर्स ऑफ एमएसएमई विल बी गिवन डेप्ट बाई बैंक्स विच विल देन बी इन्फ्यूज बाई प्रमोटर एज इक्विटी इन द यूनिट। तो इस तरीके से जो भी प्रमोटर होगा उसको इक्विटी का कुछ शेयर मिल जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे कोई और दूसरा बंदा हो। नेक्स्ट जो फंड आ जाती है वो आ जाती है 50 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड ऑफ फंड्स। अब जैसे क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में, वेंचर कैपिटलिस्ट बोल दीजिए, या फिर आप लोगों ने सुना होगा एंजल इन्वेस्टर के बारे में। तो ये एंजल इन्वेस्टर बेसिकली है क्या, दे आर बेसिकली फंड ऑफ फंड्स, क्योंकि ये जो फंड बनेगा वो बनेगा कंपनी का अपना खुद का एक फंड, और इस फंड के ये फंड वाले ओनर होते हैं, मतलब इस फंड के ये मल्टीपल ओनर हो जाते हैं और इस तरीके से फंड ऑफ फंड बन जाते हैं। इसी तरीके का एक फंड बनाया जाएगा एमएसएमई सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर एक बनेगा सारा जिसको बुलाएगा मदर फंड, और इस फंड के कई सारे सेक्टर्स होंगे, अलग अलग छोटे छोटे फंड होंगे, दिस वन इज फर्स्ट फंड, सेकेंड फंड, थर्ड फंड, फोर्थ फंड, इस तरीके से। इस मदर ऑफ कह लीजिए कि इस फंड का जो भी मदर फंड होगा वो ऑब्वियसली बड़ा पैकेज के फॉर्मेट में होगा जो छोटे एमएसएमई सेक्टर को हेल्प कर रहा होगा। तो आपको एक आई होप फंड ऑफ फंड्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है। इट विल बी कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़, इट विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर एमएसएमई विथ ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। तो जैसे ही स्टार्टअप वगैरह फंड ले रहे होते हैं वैसे ही अब इक्विटी, मतलब कि अब जो फंड ऑफ फंड्स है वहां से भी अब फंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। It will be operated through a mother fund and few daughter funds. Fund structure will help leverage 50,000 crore of funds at daughter fund level. It will help to expand MSME size as well as capacity. It will encourage MSME to get listed on main board of stock exchange. तो बस एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक छोटी कंपनी है, एक स्टार्टअप है जो MSME सेक्टर में काम कर रही है और अब वो फंड पाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी शुरू कर देगी। तो आपको एक कॉर्पोरेटाइजेशन की फील आ रही होगी जो गवर्नमेंट इस समय करने की कोशिश कर रही है, और दिस इज वेरी गुड स्टेप आई वुड से, क्योंकि ये एमएसएमई सेक्टर में अब कंपटीशन ले आएगा। एटलीस्ट ये एमएसएमई सेक्टर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही थी वो अब धीरे धीरे करके फॉर्मलाइज हो जाएंगी, और जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी या इकोनॉमी में हमारी जोड़ी ऐड नहीं हो रही थी वो अब ऐड होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये जाकर के हमारे जीडीपी को भी बढ़ा रही होगी, जो हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है उसे भी कहीं ना कहीं ये पूरा किया जा रहा होगा। तो काफी अच्छा स्टेप है, बस ये है कि इन सारे के सारे स्टेप्स पे मॉनिटरिंग और रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज ये सारा का सारा पैसा
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सारा का सारा पैसा फिल्टर आउट हो जाए और शायद इनको मिले भी ना, और अगेन ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको मॉनिटरिंग करना, इनको रेगुलेट करना। आगे अगर देखें तो देखिए एमएसएमई सेक्टर की अब नई डेफिनेशन ला दी गई है। पहले हमारी डेफिनेशन कुछ और हुआ करती थी और इस समय कुछ और हो गई है, क्योंकि इस समय सारे के सारे जो भी इंडस्ट्रीज है वो चाहेंगे कि हम माइक्रो लेवल पे किसी भी तरीके से आ जाएं। और कुछ यहां पर कुछ और भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी जिसके कारण से एमएसएमई सेक्टर को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी एमएसएमई सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए। अगर इसके देखें डेफिनेशन के बारे में तो लो थ्रेशोल्ड इन एमएसएमई डेफिनेशन हैव क्रिएटेड अ फियर अमंग एमएसएमई ऑफ ग्रेजुअली ग्रेजुएटिंग आउट ऑफ बेनिफिट एंड हेंस किलिंग द अर्ज टू ग्रो। देयर हैज बीन अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर रिवीजन। अनाउंसमेंट्स क्या क्या की गई है, ये किया गया, डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, इन्वेस्टमेंट लिमिट रिवाइज कर दिया गया है, एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर इसको हटा दिया गया है, इलिमिनेशन नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू लॉ विल बी ब्रॉट अबाउट। अगर देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस, क्या मतलब क्या चेंजेस किए गए हैं, तो देखिए ऊपर वाला जो है वो एग्जिस्टिंग और ये वाला है रिवाइज वर्जन में है। तो अगर ऊपर देखेंगे तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस अलग अलग तरीके से काउंट किए जाते थे। उसके पीछे रीजन ये था कि मैन्युफैक्चरिंग चाहे छोटी सी छोटी इंडस्ट्री भी हो, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में उनको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। इसलिए इन्वेस्टमेंट लेवल पे जब आप देखेंगे तो माइक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख है, तो सर्विस लेवल पे केवल 10 ही लाख है, क्योंकि इनको इतना खास इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली स्मॉल के लिए 5 करोड़, 2 करोड़ फॉर सर्विस सेक्टर, 10 करोड़ मीडियम के लिए और 5 करोड़ फॉर सर्विस सेक्टर, इनको रिवाइज कर दिया गया। और ज्यादा से ज्यादा अब इंडस्ट्रीज को एमएसएमई सेक्टर में ले आने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे वो लोग अब बेनिफिट लेना शुरू कर दें। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सबको इंक्लूड करके एक जगह पे कर दिया गया, और जिसकी भी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है उसको रखा गया है माइक्रो सेक्टर में, और अगर टर्नओवर भी उनकी 5 करोड़ से कम है तो दे दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सिमिलरली स्मॉल सेक्टर के लिए 10 करोड़ हो गया 50 करोड़ का टर्नओवर, मीडियम सेक्टर के लिए 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है ट्रांजेक्शन, कितनी ट्रांजेक्शन की गई है, कितना जो है सामान बेचा गया है, खरीदा गया है, ऑल दैट, ये चीजें टर्नओवर में आ जा रही होती हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो देखिए ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी इज देयर कि आपसे इस तरीके इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ दे, या हो सकता है कि इन दोनों में कंपैरिजन को लेकर के एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। आगे देखें तो देखिए ग्लोबल टेंडर टू दिस अलाउ अंडर अप टू 200 करोड़। यहां पर क्या किया गया है, कंपटीशन से बचाने के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है एमएसएमई सेक्टर को। इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज हैव ऑफन फेस्ड अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, और इस वजह से फॉरेन कंपनी को अलग कर दिया गया है 200 करोड़ तक की ऑक्शनिंग के लिए, और केवल एमएसएमई सेक्टर या फिर इंडियन कंपनी में केवल और केवल अपना आपस में कंपटीशन किया जाएगा। देयरफॉर ग्लोबल टेंडर विल बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर अप टू 200 करोड़, नेसेसरी अमेंडमेंट ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल will be affected. This will be a step towards self-reliant India and support make in India. This will also help MSME to increase their business. देखिए अभी तक MSME सेक्टर में केवल ये किया गया था कि जहां पर भी FDI लेकर के आई गई है वहां पर कहा गया है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे कोई और सेक्टर हो, वहां पर 25% प्रोडक्ट को MSME सेक्टर से प्रोक्योर करने को बोला गया था। ये PSUs में अप्लाई किया जा चुका है और डिफेंस सेक्टर में भी अप्लाई किया जा चुका है। तो MSME सेक्टर को उनके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए स्टेप लिया गया था, लेकिन अब और प्रोटेक्शन दे दिया गया, अब और उनके और बोल सकते हैं कि उनको और अपॉर्चुनिटीज दे दी गई हैं। आगे बात करेंगे तो कुछ और भी इंटरवेंशन लिए गए हैं, जैसे कि कैसे इनको मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग करने के लिए भी इनको एक कह लीजिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे एमएसएमई करंटली फेस प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी ड्यू टू कोविड, लिक्विडिटी के लिए तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे मेजर्स के बारे में बात कर लिया। मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो ई मार्केट लिंकेज प्रोवाइड किया जाएगा इनको, ताकि ये जो ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन है उसमें, जो कि अभी देखिए पॉसिबिलिटी तो नहीं है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वहां नहीं हो पाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लिंकेज बना दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इनकी अब मार्केटिंग की जाएगी। जितने भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे आपकी पेटीएम की हो गई या फिर हमारे बाकी और भी अदर सेक्टर्स हैं, तो उन सब की जितने भी फिनटेक कंपनीज हैं, दे विल बी यूज्ड टू एनहांस ट्रांजेक्शन बेस्ड लेंडिंग यूजिंग द डेटा जनरेटेड बाय द ई मार्केट प्लेस। तो उनको ये जो पूरा डेटा होगा उनसे
फिनटेक कंपनी को दे दिया जाएगा और उनके सहारे मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू एमएसएमई वेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सीपीएसईज। एमएसएमई रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सीपीएसई टू बी रिलीज्ड इन 45 डेज। तो एसच नॉट इंपॉर्टेंट, बस यहां पर यह है कि जो चीजें जहां पर भी इनकी फंसी होंगी, मतलब कि पेमेंट अगर नहीं निकला होगा तो जो भी सीपीएसयूज हो गई या गवर्नमेंट की हो गई, ये सबको सब लोग जो होते हैं फटाफट इनकी पेमेंट कर देगी, क्योंकि इनकी पेमेंट अगर रुकी तो लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगी, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी अगर स्कीम के बारे में बात करें तो देखिए 2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट दिया जा रहा है। ईपीएफ सपोर्ट का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय है, अगर वो 15,000 रुपए से कम अगर उसकी आमदनी है तो उसका 12% पीएफ कट जाता है। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड कट जाता है, तो उस हिसाब से उसका पैसा रिलेटिवली कम हो जाता है उस समय के लिए। लेकिन 12% जो पैसा कटा है और 12% जो कंपनी है, दोनों मिला के 24% बना करके ये प्रोवाइड कर देती है एम्प्लॉय को एज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी मेजर एज फॉर्मेट ऑफ पेंशन, पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। लेकिन क्या है कि अभी फिलहाल लिक्विडिटी मेंटेन करना है, तो ये काफी जरूरी हो गया है कि इनको ये जो पैसा कट रहा है उनको वापस दिया जाए। तो इसके लिए यही स्कीम लाई गई है जहां पर बिजनेस कंटिन्यू टू फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एज दे गेट बैक टू वर्क। तो अंडर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पेमेंट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वॉज मेड इन टू ईपीएफ अकाउंट ऑफ एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट। दिस वॉज प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर सैलरी मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई के लिए, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है जून जुलाई अगस्त तक के लिए। तो अब ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी अब मार्केट में आ जाएगी। इसके अलावा देखिए 2500 करोड़ रुपए का इसमें लिक्विडिटी भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि 3.67 लाख एस्टैब्लिशमेंट और उनके जो 72.2 लाख एम्प्लॉइज हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन दी गई है, जो भी मान लेते हैं कि जो 15,000 से कम पा रहे थे उसके लिए तो हम लोगों ने देख लिया 2500 करोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो 15,000 से ज्यादा पा रहे हैं उनके लिए किस तरह से लिक्विडिटी मेंटेन की जाएगी, उनके लिए देखिए ये स्कीम लाई गई है। और ये कहा गया है कि बिजनेस नीड सपोर्ट टू रैंप अप प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मोर टेक होम सैलरी टू एम्प्लॉय। लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना है एंड ऑल्सो टू गिव रिलीफ टू एम्प्लॉयर इन पेमेंट ऑफ पीएफ ड्यूज। तो इसके लिए किया ये गया है कि जो भी मतलब मान लीजिए कि 15,000 से ज्यादा कमाने वाले हैं उनका अब ये 12% वाला नहीं कटेगा, उनका कटेगा 10% से केवल, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एम्प्लॉय पा सके और दूसरा कंपनी पे भी ज्यादा फोकस, कंपनी पे भी ज्यादा बर्डन ना बने। सीपीएसयूज एंड स्टेट पीएसयूज विल हाउवर कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट 12% एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये पीएसयू के लिए काम नहीं करेगा, पीएसयू को अभी भी 12% पे रहना है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कॉर्पोरेट वाले अपना 10% ले आ सकते हैं। दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर वर्कर हु आर नॉट एलिजिबल फॉर 24%। तो वही ये 15,000 वाला अगर नहीं होगा, 15,000 ज्यादा होगा तो उनको ये स्कीम आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर आपको फॉलो करना है तो करिए, नहीं करना है कोई बात नहीं। दिस विल प्रोवाइड रिलीफ टू अबाउट 6.5 लाख एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड अंडर ईपीएफओ एंड अबाउट 4.3 करोड़ एम्प्लॉइज। तो इस तरीके से इतने लोगों को फायदा हो जाएगा। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ 6750 करोड़ टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, हमें बेसिकली देखना होता है कि क्या मेजर्स लिए गए हैं। इसके बाद किया गया है कि 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी एंड एमएफआईज एंड एचएफसीज। देखिए अब जितने भी एमएसएमई सेक्टर है वो लोन लेने के लिए तो एनबीएफसी के पास जाएंगे, एनबीएफसी को स्ट्रॉन्ग करना काफी इसलिए जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए भी 30,000 करोड़ का एक स्पेशल लिक्विडिटी पैकेज तैयार किया गया है। तो यहां पर यही कहा गया है कि जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज मनी इन डेब्ट मार्केट। तो ये डेब्ट मार्केट में पैसा रेज करना मुश्किल हो रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपए का इनको स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दे दिया गया है। अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शंस इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट पेपर। इट विल सप्लीमेंट आरबीआई और गवर्नमेंट मेजर टू ऑग्यूमेंट लिक्विडिटी। सिक्योरिटी विल बी फुल्ली गारंटीड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर जो भी हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। तो ये कुछ तरीके अपनाए गए हैं जिसके सहारे लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश की गई है, जहां से भी लोन या फिर जहां से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया जा सके, जैसे एनबीएफसी। इसके अलावा देखिए एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लॉन्च की गई है एनबीएफसी के लिए, और वो की गई है 45,000 करोड़ की सहायता से। एनबीएफसी, एचएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विथ लो क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर लिक्विडिटी टू डू फ्रेश लेंडिंग टू एमएसएमई एंड इंडिविजुअल। एग्जिस्टिंग पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू कवर बोरोइंग सच एज प्राइमरी इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड्स,
फिर इसके बाद कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। 20% लॉस विल बी बॉर्न बाय गारंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बाकी जो होती है इनकी रेटिंग वेटिंग की गई है, ये सब चीजें हैं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठ जाता है कि यार कुछ एनबीएफसी तो ऐसे भी है जो डिफॉल्टर है, फिर भी उनको हम क्यों इस तरीके की पार्शियल क्रेडिट गारंटी क्यों प्रोवाइड करना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आईएलएमसी के साथ केस हुआ था या दीवान हाउसिंग फाइनेंस के साथ केस हुआ था, वो आगे और भी सारे एनबीएफसी के साथ हो जाए, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जहां पर हमें पता होता है कि ये फेल कर सकता है, लेकिन केवल ये सोच के कि ये फेल कर सकता है और हम इन्वेस्टमेंट ना करें तो बहुत हाई चांस है कि अब तो वो 100% फेल कर जाएगा क्योंकि आपने उसको कोई असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की है। लेकिन अगर आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो इंप्रूव कर जाएगा, काफी अच्छी हो जाएगी। और हमारे इकोनॉमी में अगर एक भी सेक्टर, एक भी कंपोनेंट अगर फेल होता है तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसलिए कई बार हमें एक ऐसे प्लेयर पे भी हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है जो हो सकता है कि फेल कर जाए, बट स्टिल एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो हो सकता है सक्सेस हो जाए। खैर आगे हम लोग नेक्स्ट 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि डिस्कॉम कंपनीज पावर कंपनीज को दिया जा रहा है। पावर काफी इंपॉर्टेंट है और हमें पता है कि जो पावर सेक्टर की कंपनीज है वो काफी ज्यादा लॉस मेकिंग हो रखी है, लॉस में चली गई है, तो इसके लिए इनको भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा फंड देने की इनको भी जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिस्कॉम सेक्टर है वो भी एमएसएमई सेक्टर के साथ लिंक है। अगर डिस्कॉम सेक्टर डायरेक्टली पहुंच गया एमएसएमई वालों से पैसा लेने के लिए, क्योंकि डिस्कॉम की भी गलती नहीं है लेकिन एमएसएमई सेक्टर के पास पैसा नहीं है, तो दोनों को फंडिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवेन्यू ऑफ पावर सेक्टर कंपनीज या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैव फ्लम अनप्रेसिडेंटेड कैश फ्लो प्रॉब्लम एसेंचुएटेड बाय डिमांड रिडक्शन। डिस्कॉम पेबल्स टू पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनीज करेंटली कुछ इतना करोड़ है और ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं, नॉट सच इंपॉर्टेंट। तो देखिए इस पूरे के पूरे डिस्कॉम सेक्टर में केवल कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से हम लोग डिस्कॉम सेक्टर को भी परेशान ना होने दे, उनको भी लॉस ज्यादा ना होने दे, लेकिन साथ में एमएसएमई सेक्टर को भी हम लोग बूस्ट करते रहे। तो बेसिकली बस यही है कि 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इसलिए मेंटेन की जा रही है। इसके बाद जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्टर पे आ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के में देखेंगे अगर, तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ 2-6 मंथ। एक्चुअली ऐसा पाया गया है, फिलहाल मीडिया न्यूज के जरिए आप देखे होंगे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जितने भी मजदूर थे उनको पहले कुछ दिनों तक रखा गया, उनको खाना पिलाना, उनकी कुछ सैलरी दी गई, हालांकि वर्क नहीं हो रहा था फिर भी दिया गया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। लेकिन एक समय के बाद कॉन्ट्रैक्टर के पास भी पैसा खत्म हो गया और उसके बाद से इम्प्लॉय फिर छोड़ दिए गए, इम्प्लॉय को बोल दिया गया कि तुम अपना देख लो, अपने गांव चले जाओ, देख लो अब। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को भी रिलीफ देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक हो रहे होते हैं जो हमारे मजदूर वर्ग होते हैं, लेबर क्लास हो रहे होते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 मंथ विदाउट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्टर, इट विल बी प्रोवाइडेड बाई ऑल सेंट्रल एजेंसीज लाइक रेलवे और इन सब चीज, जितने भी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर के जो भी वर्क चल रहे हैं उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। दे विल कवर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कवर्स ऑब्लिगेशन लाइक कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड ऑल दैट, ये सब चीजें। गवर्नमेंट एजेंसी करेगी क्या, गवर्नमेंट एजेंसीज टू पार्शली रिलीज बैंक गारंटी टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट आर पार्शली कंप्लीटेड टू ईज कैश फ्लो। तो कैश फ्लो को मेंटेन करने की बस कोशिश की जाएगी, जो भी प्रोजेक्ट के एक्सटेंड होने के कारण से जो भी कॉस्ट बर्डन आएगा, जो भी एक्स्ट्रा आएगा, वो सारा का सारा खर्चा रिलीफ के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। इसके बाद देखिए रेरा के अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन है उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि रेरा में एक प्रोविजन है कि अगर एक्सटेंड होता है कोई भी प्रोजेक्ट तो उसकी जितनी भी एक्सटेंशन के दौरान में जितने भी पैसा, जितना भी एक्सपेंडिचर बढ़ता है उसे कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है। तो अब चूंकि कोविड आ रखा है जिसमें ना तो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है और ना तो मजदूरों की गलती है, तो इस वजह से यहां पर एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई है कि यहां पर अब एक्स्ट्रा खर्चे पे मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर को देने की जरूरत नहीं है। एडवर्स इंपैक्ट ड्यू टू कोविड एंड प्रोजेक्ट स्टैंड द रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन रेरा टाइमलाइन नीड टू बी एक्सटेंडेड। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर विल एडवाइज स्टेट और यूटी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। ट्रीट कोविड 19 एज इवेंट ऑफ फोर्स मेजर अंडर रेरा। फोर्स मेजर का मतलब यहाँ पर यही चीज होती है जो एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाती है, जो नेचुरल कॉजिंग हो जाती है। एक्सटेंड द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट सुओ मोटो बाई 6 मंथ। 6 महीने से इस चीज को आगे रजिस्टर कर दिया जाएगा बिना किसी प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एप्लीकेशन एंड ऑल दैट के, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम किया जा सके। रेगुलेटरी अथॉरिटीज में एक्सटेंड दिस फॉर फर्दर अनदर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर मान लीजिए कि जरूरत पड़ती है तो 3 महीने के लिए और भी इसको
एक्सटेंड किया जा सकता है. इश्यू फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली विद रिवाइज्ड टाइमलाइन, आसान करने की कोशिश की गई है. फिर उसके बाद से टाइमलाइन फॉर वेरियस स्टैट्यूटरी कंप्लीशन अंदर रेरा के अंदर में जितने भी, मतलब कह लीजिए कि जितने भी प्रोविजन हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया और इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गया. वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे प्रोविजन को फटाफट एप्लीकेशन के जरिए क्लियर कर दिया गया है. अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि दीज मेजर विल बी डी स्ट्रेस रियल इस्टेट डेवलपर एंड इंश्योर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट सो दैट होम बायर आर एबल टू गेट डिलीवरी ऑफ देयर बुक्ड हाउस विथ न्यू टाइमलाइंस. नए टाइमलाइन पे अपना जो भी घर वर पाना है वो पा जाए और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े. इसके अलावा देखिए टीडीएस को लेकर के भी मतलब टैक्स डिडक्शन को लेकर के भी जो होता है लिक्विडिटी मेंटेन की गई है 50,000 करोड़ इससे इंजेक्ट किया गया है. इसमें किया ये जा रहा है कि जो भी टैक्स डिडक्शन एक्सोर्स हो रही है उसमें ये कहा गया है कि जो भी टैक्स नॉन सैलरीड है, नॉन सैलरीड का मतलब जैसे कि मान लीजिए रूम रेंट का हो गया या फिर मान लीजिए कि कुछ इसी तरीके से जो भी रेंटेड आइटम होते हैं, इसमें आपको करना क्या होगा कि मान लीजिए आप रेंट दे रहे हैं सपोज 1,00,000 रुपए, तो आप पहले ही 25% काट लीजिए. मतलब केवल और केवल आप 75,000 रुपए देंगे और जो 25,000 रुपए आपने जो रेंट काटा है वो टीडीएस के फॉर्मेट में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे. इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी अपना पैसा आते रहेगा और जो भी पैसा मान लीजिए कि जो होता है एक्स्ट्रा दिया गया है वो गवर्नमेंट फटाफट इनको रिटर्न कर दे रही होगी. बस यहाँ पर प्रोविजन ये किया गया है कि जो टीडीएस की जो भी अमाउंट होती है जैसे 2% 3% जितनी भी होती है उसको और कम कर दिया गया है. मतलब 25% से कम कर दिया जाएगा. 2% है तो 25% से आप कम कर देंगे इसको तो नियर अबाउट आपका ये 1.5 के दौरान में बन जाएगा. ठीक. पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल फीस इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड एंड ऑल दैट ये जितनी भी चीजें हैं इट विल बी एलिजिबल फॉर देयर रिड्यूस टैक्स रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस. तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे कोशिश की गई है लिक्विडिटी ज्यादा मेंटेन करने की. टीडीएस वगैरह भी काट लिया गया है, आईटीआर को भी रोका गया है, जीएसटीआर को रोका गया है. तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो एम है वो यही एम है कि मार्केट में किस तरीके से लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके. बाकी देखिए थोड़े से डायरेक्ट टैक्स के भी मेजर लिए गए हैं जैसे जितने भी ऑल पेंडिंग रिफंड टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप एंड ऑल दैट जितनी भी चीजें उनको फटाफट इमीडिएटली जो होता है इश्यू कर दिया गया है. फिर उसके बाद से जितने भी रिफंड मतलब जो भी देना है वो फटाफट रिफंड दे दिया गया है. आईटीआर की डेट वगैरह बढ़ा दी गई है. बाकी देखिए जो भी विवाद से विश्वास की स्कीम थी उसकी भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है. तो अभी कुल मिलाकर के काम यही किया गया है कि जो भी इनकम टैक्स के दौरान में या फिर कह लीजिए जो भी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है मार्केट में वो लिक्विडिटी मेंटेन रहे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो. तो ये हुई हमारी पूरी की पूरी एमएसएमई सेक्टर की स्कीम जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो 20,00,000 करोड़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है. उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पहुंचे, लोगों के पास पैसा रहे ताकि खरीदा जा सके लोगों के द्वारा. अब देखिए यहां पर गवर्नमेंट को करना ये होगा कि चूंकि एमएसएमई सेक्टर को तो आपने बड़ा अच्छा दे दिया पैकेज सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर कंज्यूमर इसको खरीदेगा नहीं तो फिर एमएसएमई सेक्टर का केवल और केवल वन साइडेड ही फोकस रह जाएगा, केवल और केवल बनाने पर रह जाएंगे, इनका मार्केट नहीं चल पाएगा. इसलिए गवर्नमेंट को करना ये होगा कि जो भी कंज्यूमर है उनको भी एक फ्री हैंड प्रोवाइड करें, उनको भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए कि ये लोग भी जाकर के सामान को खरीदें. इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप निकाला, बड़ा अच्छा एक स्लोगन निकाला हुआ है, वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल. तो बड़ा अच्छा ये मैं कहूंगा कि स्कीम है जिसके सहारे अब जो लोकल पीपल भी हैं वो अब लोकल सामानों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उनकी ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में चर्चा करेंगे, वोकल होंगे. तो बढ़िया चीज है. तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा रहेगा इनफैक्ट. और तब तक गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है ताकि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं या कह लीजिए फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में आकर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सके. यहां से दो फायदा होगा. एक फायदा होगा कि जो भी एमएसएमई सेक्टर इस समय तक बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो फॉरेन के लोग कंपटीशन को देखते हुए फटाफट आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीआई आएगी और इकोनॉमी हमारी और चरम सीमा पे पहुंच जाएगी. दूसरी ये होगी कि हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे. तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट वी कैन मेक आवर सेल्फ रिलायंट. तो काफी अच्छा होगा अगर ये सारा का सारा स्कीम अगर जिस तरीके से पेपर पे दिख रहा है, जिस तरह से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से चल गया तो काफी अच्छा एक हमें फ्यूचर ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा. तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन. यह हम लोगों ने पूरी की पूरी स्कीम के बारे में डिस्कस किया. हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जो बाकी के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा डिस्कशन की गई है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन करके आप फटाफट उस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं. मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.